गलती करने पे टीचर हाथ पे मारते हैं, लेकिन ये कौन सी गलती थी जिसे करने पे इंसानी बॉडी के अंदर पैर उगा के उसको मारा जाता था। हमें जब टाइम देखना होता है तो हम घड़ी देख लेते हैं, लेकिन डॉग्स के पास ये कौन सी घड़ी है जिससे उनको टाइम अपने आप पता चल जाता है। भाई वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर देना। फैक्ट नंबर 3, डॉग्स इस चीज में इंसानों से भी ज्यादा आगे है। इंसानों को टाइम जानने के लिए क्लॉक्स और वॉचेस को देखना पड़ता है, लेकिन एक स्टडी में पाया गया है कि डॉग्स के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो उन्हें टाइम बताने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि कब रात है कब दिन है। इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉग्स इतने पंक्चुअल होते हैं। फैक्ट नंबर 2, इंटेलिजेंट होना आपकी जान ले सकता है। ये न्यूज सुनकर मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। गुजरात के इस टॉपर लड़की के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हीर नाम के ये लड़की 10th क्लास में गुजरात बोर्ड में 99.70% स्कोर की थी, जिसके 4 दिन बाद ही उनके डेथ हो गई ब्रेन हेमरेज की चलते। उनका सपना हमेशा से ही एक डॉक्टर बनने का था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन शायद वो अपने सपनों के करीब जरूर पहुंच गए, क्योंकि उनके डेथ के बाद उनके पेरेंट्स ने उनके आईज और बॉडी को डोनेट कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो लोगों की जान बचाना चाहती थी और उसी सपने के लिए हमने ऐसा किया। फैक्ट नंबर 1, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक इंसान के अंदर से पैर उगाया जाए। मैंने तो आज तक इससे खतरनाक सजा नहीं देखी है और आपने भी नहीं देखी होगी। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में म्यांस पर इस टॉर्चर को यूज किया जाता था, जब थाईलैंड के लोग मलाइज को पकड़ लेते थे और फिर शुरू होता था दर्दनाक खेल। उन लोगों को बम्बू के पेड़ पर लेटा दिया जाता था, जिसके बाद उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता था और बम्बू इंसानों की बॉडी के बीच से ग्रो होता था। बम्बू 1 घंटे में 4 सेंटीमीटर ग्रो हो सकते हैं, तो सोचो इंसान का क्या होता होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे इंडियन फैक्ट बॉय चैनल पे नए हैं और आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में रुचि रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले वीडियो को बिना रुके देख सके। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।